सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ दर्ज राजद्रोह के मामले को खारिज कर दिया है। विनोद दुआ पर हिमाचल प्रदेश के शिमला में राजद्रोह के मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। स्थानीय बीजेपी नेता श्याम ने आरोप लगाया था कि विनोद दुआ ने यूट्यूब पर अपने शो में प्रधानमंत्री मोदी पर वोट पाने के लिए मौतों और आतंकी हमलों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, जिसके बाद शिमला के कुमारसैन थाने में विनोद दुआ के खिलाफ आईपीसी के प्रावधानों के तहत फर्जी खबरें फैलाने, लोगों को भड़काने, मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित करने का मामला दर्ज किया गया था। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। एफआईआर दर्ज होने के बाद विनोद दुआ ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। विनोद दुआ ने अपने ऊपर दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग भी की थी। साथ ही पत्रकारों के खिलाफ दर्ज राजद्रोह के मामलों की जांच के लिए एक कमेटी बनाने की भी अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में विनोद दुआ पर दर्ज एफआईआर को निरस्त कर दिया, लेकिन कमेटी बनाने की मांग वाली उनकी दूसरी याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा यह विधायिका क्षेत्र पर अतिक्रमण की तरह होगा। मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस विनीत सरन की बेंच ने कहा कि प्रत्येक पत्रकार केदारनाथ सिंह के फैसले के अंतर्गत सुरक्षा का हकदार है। कोर्ट ने केदारनाथ सिंह मामले का जिक्र करते हुए कहा कि इस तरह की धाराएं तभी लगनी चाहिए जब किसी की कोशिश शांति व्यवस्था को बिगाड़ने और अराजकता पैदा करने की हो। जान लेते हैं कि केदारनाथ सिंह का मामला क्या था। 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ बनाम बिहार राज्य के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया था। बिहार के रहने वाले केदारनाथ सिंह पर राज्य सरकार ने एक भाषण के मामले में राजद्रोह का मामला दर्ज किया था। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने कहा था कि सरकार की आलोचना करने या प्रशासन पर कमेंट करने से राजद्रोह का मुकदमा नहीं बनता। ऐसा तभी किया जा सकता है जब उसकी वजह से किसी तरह की हिंसा, असंतोष या फिर सामाजिक असंतुष्टिकरण बढ़े। देशद्रोह या राजद्रोह क्या है, आइए थोड़ा सा सेडिशन यानी राजद्रोह के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि सेडिशन का शाब्दिक अर्थ होता है सरकार के खिलाफ मानहानि करना या द्रोह कर देना। इसी से इसका हिंदी शब्द निकलकर आता है राजद्रोह। हमारे देश में राजद्रोह को भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पीनल कोड की धारा 124A में शामिल किया गया है। अब धारा के बारे में सटीक शब्दों में बताया जाए तो वह कहती है, भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के अनुसार लिखित या फिर मौखिक शब्दों या फिर चिन्हों या फिर प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर नफरत फैलाने या फिर असंतोष जाहिर करने पर दोषी को 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब आप ये सोचेंगे कि मैंने सेडिशन के शाब्दिक अर्थ में आपको ये बताया कि इसका मतलब सरकार की अवमानना, पर यहां तो देश की अवमानना करने की बात लिखी गई है। अगर हम धारा 124A को अंग्रेजी में जाने तो वो कहती है, Whoever by words, either spoken or written, or by signs, or by visible representation, or otherwise, brings or attempts to bring into hatred or contempt, or excites or attempts to excite disaffection towards the government established by law, shall be punished with imprisonment for life, to which fine may be added, or with imprisonment, which may extend to 3 years, to which fine may be added, or with fine. माने कि हमको सबसे पहले सरकार की मानहानि और देश की मानहानि में अंतर समझना पड़ेगा। सरकार की मानहानि करना होता है राजद्रोह, वहीं देश की मानहानि करना होता है देशद्रोह। अब सबसे अहम जो बात है वो ये कि सेडिशन होता है राजद्रोही, लेकिन लोगों ने राजद्रोह और देशद्रोह के भेद को दरकिनार कर सरकार को ही देश बना दिया। हुआ ये कि आधी आबादी को ऐसा लगता है कि सेडिशन देशद्रोही के खिलाफ कड़ाई करने के लिए बनाया गया कानून है। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी गौरव। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।